फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कश्मीर। कश्मीर करके हमने अपने मुल्क का दिवाला निकाल लिया। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का कि उनको रिलाइज हो रहा है। बोलना शुरू किया है, कब तक जो गवर्नमेंट है उसके वहां पर आवाज जाएगी वो पता नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप जरा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाए। इस एक फैसले की वजह से, इस जिद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 100 क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में। हम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात है उस पर पाबंदियां भी लगवा सकते हैं। तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश। ये भी मजेदार है। खाली वसाल से माला माल, वसाल से माला माल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे, कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे। यहाँ से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहाँ से भी गैस निकल, गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार इस वक्त पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन भारत से व्यापार बंद होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खस्ता हालत में चली गई है। पाकिस्तान अब भारत से व्यापार ना करके बहुत ही पछता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि कश्मीर कश्मीर करके हमारे देश का ये कैसा हाल हो गया है। हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। कश्मीर के राग ने तो हमारा दिवाला निकाल कर रख दिया है। अगर हम भारत से व्यापार करते तो आज हमारा ये हाल ना होता। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान और IMF के बीच अभी तक कोई एग्रीमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। आज आपके सामने मैं दो रिपोर्ट्स पेश करूंगी। IMF कह रहा है, एक रिपोर्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड, और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब खत्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पाकिस्तान की होती थी। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इंडो पाक के हवाले से बात करूंगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड, जो कि पाकिस्तान की तरफ से उसको मनकते कर दिया गया, खत्म किया गया कश्मीर पॉइंट की वजह से, क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शेयर रग है। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि इस एक फैसले की वजह से, इस जिद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। तो स्टेट बैंक का जो डेटा है वो डॉन में मुझे ये खबर मिली और मैंने कहा कि मैं जरूर आपके लिए ये पेश करूं कि एज पर डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द एक्सपोर्ट्स डिप टू 0.099 मिलियन डॉलर्स फ्रॉम 1.035 मिलियन डॉलर्स। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब यह हुआ कि 90% 90% पाकिस्तान को नुकसान, 0.04 में जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट हम जानते हैं कितने, थोड़ी सी तो है,
हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो है वो कम हुई और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इम्पोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो है वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही है। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई है। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है, इसका नुकसान जो है वो अवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की अवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है, गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की खरीद से बाहर हो चुकी है। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप जरा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाए। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, 20-30 साल आपको काम जरूर करना चाहिए, मगर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे। अपने पड़ोसियों को डराना धमकाना छोड़ दीजिए, अपने यहाँ पे आपने जो है जूनागढ़ में जो है कभी फ्लैग लगा रहे होते हैं और कभी दिल्ली के लाल किले पे फ्लैग लगा रहे होते हैं। मैं ये बता रही थी कि बिल्कुल शौकत अरीन साहब, इकोनॉमी पे काम कीजिए, पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे, कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है, वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं। आप लोगों ने बोले झूठ कि जी पाकिस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, तेल और गैस के वसी वसाइल मौजूद हैं, यहाँ से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहाँ से भी गैस निकल रही है। गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों को, तो गैस बहुत ज्यादा है, तो अब कसूर हुक्मरान का तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है, तो 5 दरिया तो आपके पास है ही नहीं। आपने गुमराह किया हुक्मरानों को, पाकिस्तान स्टडीज की किताब में आपने नॉनसेंस लिखी, हम अपना सारा तेल निकाल भी लें तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली, वसाइल से माला माल, वसाइल से माला माल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाजुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाजुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इतिहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात है उस पर पाबंदियां भी लगवा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो कब से इनको यही बातें बोल रहे हैं कि भैया कश्मीर कश्मीर करना बंद कर दो और अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों की प्रोग्रेस के लिए काम करो। कश्मीर आपको नहीं मिलने वाला क्योंकि वो हमारा है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे हिस्ट्री को देखो। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा बेचारे, अब इनके लोग भी, मीडिया भी बोल रही है ये, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है जैसे हमने मेजर गौरव आर्या के जितने सारे वीडियोस किए हैं कि उनको एक ये ऐसी चीज मिली हुई है कि डाइवर्ट करने के लिए अपने पब्लिक को, और इस मामले में उनको डाल दिया है और बाकी जो कंट्री का पैसा है उसको जो है अपने अकाउंटों में डाल रहे हैं और उनको फिर बाहर भेज रहे हैं अपने आप को अमीर करने के लिए, और कंट्री जो है वो डूबती जा रही है।
तो अब देखते हैं भाई, काफी अच्छा इन्होंने बोला है। मुझे तो जो आरजू जी हैं उनकी तो बात बड़ी अच्छी लग रही थी, क्या ऐसे ऐसे करके कुछ कर रही थी ना, वो बड़ा मजेदार था, कह रहे भंगड़ा पा रहे हैं बंद करें हम, तो वो काफी मजेदार था जिस तरह से बोल रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है, हंसी मजाक एक तरफ है, बट सीरियसनेस ऑफ मैटर है कि इतनी बुरी उनकी इकोनॉमी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर अभी से काम करना शुरू करेंगे तो 20 साल के अंदर शायद कुछ चेंजेस हो। मतलब इतना डूब चुके हैं कि 20 साल तक काम अगर सब ठीक तरह होए तो कुछ हद तक कुछ शायद इंप्रूवमेंट हो, ये हाल है। पर देख लो गवर्नमेंट अभी तक जाग ही नहीं रही, अभी भी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और उसकी वजह से इंडिया के साथ ट्रेड करना भी बंद कर दिया, जबकि उनको ये नहीं समझ आई कि आपका बंद करने से पहले कि नुकसान आप ही का होना है, तो पहले सोच के तो करो। वैसे ही आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, ऊपर से आपने ये कर दिया है, कुछ समझ नहीं आता। मतलब कोई बिना सोचे समझे, मेरे को लगता है अपने एडवाइजरी भी उन्होंने इतनी अच्छी नहीं रखी हुई जो उनको ठीक एडवाइस कर सके, बस कुछ भी करी जा रहे हैं और कंट्री का और बुरा हाल हो रहा है। राइट, मेरे ख्याल से ऐसा है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग तो होंगे, हर देश में पढ़े लिखे लोग होते हैं वेरी वेल एजुकेटेड इकोनॉमी के बारे में, मगर क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी ईगो के चक्कर में अपने आसपास वो लोग रखे हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं मगर उनको मौका नहीं दिया जा रहा, उनको वो पोजीशन नहीं दी जा रही जो उनको देनी चाहिए, जहां पे वो कुछ अपनी कंट्री के लिए कर सके। उन्होंने सराउंड कर लिया, अपने लीडर ने सराउंड कर लिया उन लोगों को जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं है। कुछ की तो इंटरव्यू हम कर चुके हैं। उसका रीजन ये है कि वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि देखो भाई मैं अपना माल तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब मैं तुम्हारे से एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, मगर तुम्हारा 14% माल ले लूंगा, मतलब 14% इंपोर्ट मैं कर लूंगा जो जो मुझे चाहिए, मगर मैं अपना सामान नहीं दूंगा। नहीं, पर मुझे तो लग रहा है इंपोर्ट शायद इलीगली हो रहा होगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा। पाकिस्तान ने बोला होगा कि ठीक है हमें इन चीजों की थोड़ी जरूरत है तो हम ये ले लेंगे तुमसे, चीनी क्यों नहीं ले रहे, मगर जो भी है मतलब हम ये चीजें ले लेंगे 14%, मगर हम देंगे कुछ नहीं। उससे अगर कोई इकोनॉमी का बंदा तो बोलेगा अरे तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे से इंपोर्ट करोगे तो तुम्हें डूबना है क्या। तो वही हुआ। उसके बाद अगर ये चाइना को भी देख लेते तो चाइना क्या करता है, चाइना कहता है भाई हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, हम इंपोर्ट लेंगे नहीं। उल्टा बोलता वो, चाइना बोलता मैं सबको दूंगा जो तुम्हें चाहिए ले लो ले लो, तुमसे लूंगा नहीं भैया मेरे पास बहुत है, हम अपना। उससे चाइना ऊपर उतर जाता है और यहाँ पे ये ऑपोजिट कर रहे हैं कि भैया हम देंगे नहीं हम लेते रहेंगे, उससे क्या हो रहा है वो डूब रहे हैं। तो ये सिंपल जो कॉन्सेप्ट है आई एम श्योर कि उनको भी पता होगा जो पढ़े लिखे इकोनॉमिक्स के लोग हैं, मगर ये ईगो का मैटर हो गया, इसीलिए वो कह रही हैं आरजू कि कश्मीर कश्मीर के चक्कर में तुम अपने आप को डुबाओगे। ये यहां कॉम्बिनेशन है जो उनके जो इकोनॉमिस्ट है उनको सब पता होगा कि देखो भैया अगर तुम एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट कम करो, तुम ऑपोजिट कर रहे हो और तुम ऑपोजिट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम कश्मीर कश्मीर के चक्कर में रिलेशनशिप अपनी तोड़ रहे हो, तुम अपने अपने खुद डूब जाओगे कश्मीर के चक्कर में, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे ख्याल से यही वो समराइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मैसेज भेज रहे हैं कि कश्मीर के चक्कर में जो तुमने ये डिसीजन लिया है जो बिग इकोनॉमिकली टोटल डिजास्टर है वो मत करो। वैसे कमाल की बात है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ियां मार ईगो के चक्कर में, कश्मीर के चक्कर में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, क्या इनके दिमाग में है वही। चलो आप इतने कमेंट्स जो है जरूर बताना आप क्या सोचते हो। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।